एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, आ रही हूं। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई ना आया तो पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई मकान में कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, पोस्टमैन साहब दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूं। पोस्टमैन ने कहा, नहीं मैं खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पर्ची पर तुम्हारे साइन चाहिए। करीबन 6-7 मिनट बाद दरवाजा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए झलाया हुआ तो था ही और उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया। सामने एक अपाहिज लड़की बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते दो हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज देता और जब तक वो लड़की ना आती तब तक खड़ा रहता। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दीपावली नजदीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या उपहार दूं। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां मिट्टी पर पोस्टमैन के पांव के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उन पांवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहां काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? पोस्टमैन, उत्तर मिला। लड़की हाथ में गिफ्ट पैक लेकर आई और कहा, अंकल मेरी तरफ से दीपावली पर आपको ये भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे लूं? लड़की ने आग्रह किया कि मेरे इस गिफ्ट के लिए मना नहीं करें। ठीक है कहते हुए पोस्टमैन ने पैकेट ले लिया। लड़की ने कहा, अंकल इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पांवों को जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। संवेदनशीलता का यह श्रेष्ठ दृष्टांत है। संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें शरीक होना। यह ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करें, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सके। संकट की घड़ी में कोई ये नहीं समझे कि वो अकेला है, अपितु उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।